अलग सीन हो सकता है, पर यहाँ पे कंबाइन शॉट लगेगा। ब्रे व्हाइट को खतरनाक वाला कंबाइन शॉट लगा दिया। स्टिंग यहाँ पे टॉम स्टोन के लिए जा चुका है भाई। अंडरटेकर इसी चीज का बात हो रहा था कि फिनिशर क्यों नहीं लगा रहा अंडरटेकर पर, यहाँ पे जा चुका है टॉम स्टोन, लग चुका है पहला टॉम स्टोन स्टिंग को। रेडो का वापस से स्वागत है एक नए मैच के अंदर भाई। इस मैच में होने वाला है फुल सिक्स मैन, वो भी सभी के सभी गोस्ट प्लेयर रहेंगे इस मैच में, और इसमें लगने वाला है टाइटल WWE हेवी वेट चैंपियनशिप जो न्यू वाला आया है, जो लेट्स सी ये लोग छह में से कौन लेके आ जाओ भाई। लग चुका है सिक्स मैन मैच, वो भी रहेगा टाइटल खतरनाक वाला न्यू हेवी वेट चैंपियनशिप का। देखते हैं भाई इस मैच में कौन लेके जाता है, ये सारा कोई तो गोस्ट गोस्ट प्लेयर है, तो देखते हैं किसके पास जाता है। यहाँ पे पहला एलिमिनेशन चालू हो चुका है जो हुआ है डेमन फिंडलर हो चुका है। यहाँ पे एलिमिनेट पहला एलिमिनेशन चालू हुआ है। यहाँ पे स्टिंग खतरनाक वाला ड्यूटी लगा चुका है अंडरटेकर को। यहाँ पे ब्रे वाइट खतरनाक वाला फाइट ले रहा है, ये क्या करना चाह रहा है ब्रे वाइट, वो भाई बिगी मैन को लगा रहा था, चोक स्लैम जा रहा था केन का, पर चोक स्लैम के लिए नहीं जा पाया केन। यहाँ पे स्पेयर लगा के ब्रे वाइट एलिमिनेट कर दिया है केन को। ओ भाई ये खतरनाक ही था, ब्रे वाइट का रिवर्स एलिमिनेट कर चुका है केन को। अभी तक के सिर्फ दो ही प्लेयर एलिमिनेट हुए हैं, जो हुआ है डेमन फिंडलर और केन। अभी बचे सिर्फ चार प्लेयर जो है स्टिंग, बोगीमैन, अंडरटेकर और द ब्रे वाइट। चलो भाई देखते हैं ये चारों में से किसके पास ज़्यादा न्यू हेवीवेट चैंपियनशिप। चार अभी तक के क्वालिफाई हुए, अभी दो ही बचेंगे, तो मज़ा आने वाला है भाई। वो भाई स्टिंग को खतरनाक वाला मूव लगा दिया यहाँ पे अंडरटेकर को, स्टिंग खतरनाक फॉर्म में, पर यहाँ पे बोगीमैन क्या कर दिया, यहाँ पे अपना फिनिशर लगा दिया ब्रे वाइट को। भाई बोगीमैन भी खतरनाक फॉर्म पे है, खतरनाक की फॉर्म पे ही अंडरटेकर रिंग के बाहर क्या चल गया, करना क्या चाह रहा आ चुका है रिंग के अंदर, ये करना क्या चाह रहा था अपने को समझ नहीं आया। टॉम स्टोन के लिए बार बार जा रहा है, ट्राई कर रहा, पर स्टिंग अपना मौका ही नहीं दे रहा है टॉम स्टोन लगाने का। स्टिंग को भी पता है भाई अगर मौका दे दिए तो हम इस रेस से बाहर हो सकते हैं, जो इतना खासा अच्छा इतना बढ़िया चमचमाता टाइटल है वो हट जाएगा अपने से। स्टिंग अच्छा फाइट देते हुए यहाँ पे और रिंग के बाहर फाइट चलते हुए बोगीमैन और ब्रे वाइट का यहाँ पे खतरनाक वाला डीडीटी लग चुका है अंडरटेकर को। भाई स्टिंग तो अकेले संभाला हुआ, लो खतरनाक वाला डीडीटी बोगीमैन को भी लगा दिया है। भाई स्टिंग इज इन द गॉड मोड, यहाँ पे अंडरटेकर का फुल मूव फट चुका है, यहाँ पे खतरनाक ही वाला मूव फट गया है यहाँ पे अंडरटेकर का। अभी देखना होगा भाई कौन लेके जा पाता है ये वाला मैच, किसके पास जाता है। तो भाई ये तो गलत सीन हो चुका है, ब्रे वाइट यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए बोगीमैन को हो चुका है एलिमिनेट। अब बचा है सिर्फ तीन प्लेयर जो है स्टिंग, अंडरटेकर और द ब्रे वाइट। स्टिंग फिनिशर के लिए नहीं जा रहा, फिनिशर के लिए जाएगा तो खतरनाक सीन हो सकता है। लगा दिया पहला फिनिशर, फिनिशर ही के बात हो रहा था अंडरटेकर के, यहाँ पर फिनिशर लगा दिया। अंडरटेकर अभी तक के फिनिशर नहीं लगा पाया, तो देखते हैं अंडरटेकर किस टाइम पे फिनिशर लगाता है, फिनिशर ही उसका गेम लेके जा सकता है। अगर अंडरटेकर को जीतना है तो यहाँ पे फिनिशर तो पक्का लगाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अंडरटेकर लगा दे फिनिशर एक फटाफट से, स्टिंग अगर लेके चल गया तो भाई बहुत बढ़िया सीन हो जाएगा, क्योंकि स्टिंग अभी न्यू आया है प्लेयर, टाइटल ले गया तो गलत सीन हो सकता है। पर यहाँ पे कंबाइन शॉट लगेगा, ब्रे वाइट को खतरनाक वाला कंबाइन शॉट लगा दिया। स्टिंग यहाँ पे टॉम स्टोन के लिए जा चुका है भाई। अंडरटेकर इसी चीज़ का बात हो रहा था कि फिनिशर क्यों नहीं लगा रहा अंडरटेकर पर, यहाँ पे जा चुका है टॉम स्टोन, लग चुका है पहला टॉम स्टोन स्टिंग को। लेट्स सी क्या होता है, पहला टॉम स्टोन लगा दिया स्टिंग को, फिनिशर के लिए जाना चाहिए अंडरटेकर के पास, देखते हैं क्या सीन होता है। बच गया अंडरटेकर, तो भाई फुल खतरनाक फॉर्म में आ चुका भाई अंडरटेकर का, बोले ना फिनिशर ही गेम है उसका, फिनिशर अगर सही टाइम पे लगा देता तो गेम पलट सकता भी है और गेम कट भी सकता है। वो तो देखना होगा ये तीनों में से कौन लेके जाता है ये न्यू हेवीवेट चैंपियनशिप। बहुत तगड़ा ही फाइट दे रहा है ये लोग तीनों एक दूसरे को। भाई यहाँ पे कॉर्नर पे कॉर्नर फिक्र अंडरटेकर को हल्का मिली हो गया लोग अंडरटेकर को। ओ ओ ये क्या था, ब्रे वाइट कंबाइन शॉट लगाने जा रहा था, टॉम स्टोन के लिए जा चुका है अंडरटेकर। अंडरटेकर को हल्का में जो लिया वो भारी पड़ेगा, लगा दिया टॉम स्टोन अंडरटेकर ने।
खतरनाक ही वाला टॉम्सन लगाते हुए यहाँ पे प्रे व्हाइट को। लेट्स सी, नहीं, बच गया। ओ भाई सुपर किक, सीधा सुपर किक से स्टिंग का मुंह फाड़ दिया ये तो। अब हमको लग रहा भाई अंडरटेकर गुस्सा हो चुका है यहाँ पे, खतरनाक वाला डीडीटी भी लगा दिया है। अब अकेले संभाल रहा दोनों प्लेयर को, पिन करेगा लगता है स्टिंग को। लेट्स सी पिन आउट हो पाता है कि नहीं भाई, स्टिंग इतना जल्दी नहीं पिन आउट होगा। अंडरटेकर को एक और टॉम्बस्टोन लगाना होगा तभी कुछ हो सकता है। ब्रे वाइट लगता है जा रहा है स्पेयर के लिए पर नहीं जा पाया, दोनों टॉम्बस्टोन का ट्राई कर रहा था। अब लगा देगा स्पेयर, ओ भाई सुपरमैन पंच लगा के एलिमिनेट कर दिया है ब्रे वाइट यहाँ पे। अब फाइट होने वाला है सिर्फ दो प्लेयर जो है स्टिंग और ब्रे वाइट के साथ। लोग में से देखते हैं कौन लेके चाहता है ये वाला मैच, इसके पास जाता भाई न्यू हैवी वेट चैंपियनशिप का टाइटल, ये सबसे मेन है देखने में। इसके पास जाता है फटाफट से, इसके में नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कौन जीता आप लोग से पहले ही मैच से एंड होने से पहले। देखते भाई किसका किसका गेस सही रहता है इस मैच के लिए। भाई फुल खतरनाक सीन हो चुका है इस मैच में, लगा देगा भाई ग्रे वाइट लेके जा सकता है, पर अगर स्टिंग यहाँ पर रिकवर कर सकता है तो एक फिनिशर मांग रहा है ये कंबाइन। अगर ये फायरिंग शॉट पड़ गया स्टिंग को तो गया है। ओ बच गया भाई, ये गलती कंबाइन रिंग शॉट मारा था पर बच गया स्टिंग। फिनिशर के लिए जाना चाहिए था, स्टिंग को रिवर्स दिखाया, बढ़िया स्टिंग ने रिवर्स दिखाया है। चलो भाई क्या करता है स्टिंग, यहाँ पे रिकवर कर लिया, एक फिनिशर आ चुका है स्टिंग पे, लगाना चाहिए फिनिशर यहाँ पे मूव कर चुका है व्हाइट। ओ भाई यहाँ पे प्रे व्हाइट जीत चुका है ये वाला मैच, खतरनाक वाला स्पेयर लगा के वाला प्रे व्हाइट मैच लेके चाहते हुए और आ चुका है प्रे व्हाइट के पास न्यू हैवी वेट चैंपियनशिप का टाइटल। फुल खत्म सीन हो चुका है। WWE World Heavyweight Champion.